हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार के टी हेयरस्टाइलिस्ट। सर, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दिस लेटेस्ट हेयर स्टाइल हेयर ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा इस हेयर स्टाइलिंग को सीखने के लिए। सो डोंट बी डिले, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार केटी हेयरस्टाइलिस्ट। सर, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दिस लेटेस्ट ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल दोस्तों। सो इस हेयर स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको करनी है नीट एंड क्लीन ब्रो ड्राई। क्रिम्पिंग करनी तो कर सकते हो आप। वॉल्यूम एंड टेक्स्चर के लिए सबसे पहले आपको ए टू ईयर पार्टीशन लेना है। टॉप ईयर पे एक सेक्शन लेना है, उसको करेंगे हम बैक कॉम इस तरीके से। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ डस्ट पाउडर लेबल एम का। तो ये भी आप डस्ट पाउडर काफ़ी है मार्केट में, ओसिस का है और भी सारे ब्रांड का है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ये जस्ट आपको रूट एरिया पे करना होता है एज ए स्प्रे की तरह, तो आपको इसको डस्ट करना होता है ऑन स्कैल्प पे। अगेन बैक कॉम करना है आपको और दोबारा से डस्ट पाउडर आपको इसमें छिटकना है, डालना है इस तरीके से। देन बैक कॉम करना है अगेन, फिर सेक्शन लिया साइड कॉर्नर से, इसको भी आप पहले बैक कॉम करेंगे। बैक कॉम के ऊपर जस्ट आपको इसको फाइबर की तरह डालना होता है पाउडर, जस्ट आपको माइनर से डालना होता है और इसको अगेन बैक कॉम कर देना होता है। इससे दोस्तों ये होता है कि काफ़ी इसका होल्डिंग पावर होता है और ये आपके बैक कॉम को बिल्कुल स्टे कर जाता है और काफ़ी ये लास्ट करता है। इसको आप कर्ल्स के ऊपर भी डाल सकते हो, इससे आपके कर्ल्स स्टे रहते हैं और लॉन्ग लास्ट होते हैं। देन हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम इसमें आ रहा है। जो भी आपने बैक कॉम किया उसको ये लॉक कर देता है। इसमें अलग अलग होल्डिंग पावर के डस्ट पाउडर आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आते हैं। तो उनकी पावर के अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो। आपको मार्केट में मिलता है आपके लोकल मार्केट में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जो है ऑनलाइन भी इसको बाय कर सकते हो। देन हम सारे पीछे के बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे। ऊपर ऊपर आपको कॉम करना फिनिशिंग के साथ। देन हम इसमें लाइंस क्रिएट करेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से आपको लाइंस क्रिएट करनी है। ये ओसिस का हेयर स्प्रे है, इसको हमने पहले करना है इसमें ताकि हम थोड़ी इसमें शाइनिंग फिनिशिंग आए और थोड़ा सा आपको होल्ड पावर भी मिले। तो इस तरीके से आपको ये लाइंस बनानी है। ये देखिए जस्ट फिंगर की टिप से आपको ये उठाने हैं इस तरीके से। ये देखिए देन आपको कॉम करना है, जस्ट लाइंस को नीचे तक आपको कॉम करना है। देन हम इनमें और भी शार्पनेस देंगे। जस्ट फिंगर्स से हम इसको ग्रिप करेंगे और प्रेस करेंगे डाउनवर्ड्स की तरफ। ये देखिए इस तरीके से आपको ये लाइंस क्रिएट करनी है। ये देखिए फिंगर की टिप से डाउनवर्ड्स की तरफ इसको आप कॉम करेंगे। ये ओसिस का स्प्रे मैं यूज़ कर रहा हूँ साथ साथ फिनिशिंग के लिए और फ्रिज कंट्रोल के लिए। देखिए इससे आपको आपको हल्की सी ग्रिप मिल जाती है, जिससे आप सेक्शंस को या हेयर को जो भी है हल्का सा आप होल्ड कर पाते हो। देन बीच बीच में आपने जो लाइंस आपने क्रिएट करी हैं उनके बीच में आप ये जूड़ा पिन स्टे करा देंगे ताकि आपकी जो लाइंस बनाई हुई हैं, जो लेयर्स आपने बनाई हुई हैं वो ख़राब ना हो और एज इट इज़ अपने शेप मेंटेन रहे। ये देखिए इस तरीके से आप जूड़ा पिन जो है वर्टिकली इनमें इंसर्ट कर देंगे फॉर होल्डिंग के लिए। देन हमें इन लाइंस को जो है और भी शार्प करना है विथ स्ट्रॉन्ग स्प्रे के साथ में। ये देखिए जस्ट मैं डाउनवर्ड्स जैसे वो गई हुई हैं, जैसे आपका शेप बन जाता है लाइंस का, देन आपको स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से उसको और भी आपको फिनिशिंग देनी है। ये देखिए इस तरीके से आप उनको फिनिशिंग देंगे। देन जो भी आपने हेयर को बैक कॉम किया था विद डस्ट पाउडर के साथ में, उनको आपको एक हाथ में लेना है इस तरीके से और लाइंस को बड़े ही आराम से आपको जो है अपने हैंड में ग्रिप करना है। जहाँ पर भी आपको इसको पिनअप करना है उस प्लेस पर हम सेट करेंगे इसको। ये देखिए जस्ट टेल कॉम से मैं हल्का सा इसको लाइंस को जो है अपने हैंड में मैं ग्रिप कर रहा हूँ, अपने हाथों में इसको ग्रिप कर रहा हूँ। ये देखिए जैसी लाइंस गई हुई हैं उन्हीं लाइंस को मैं और शार्प कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको इन लाइंस को मेंटेन रखना है, देन इसको ग्रिप करना है सारे सेक्शंस को। और अब यहाँ पर हम इसको जो है पुल करेंगे ऊपर की तरफ, जो लाइंस आपने बनाई हुई है हल्का सा आप पुल अप कीजिए, इनको उठा दीजिए फिंगर की टिप्स से, तो ये आपके लाइंस जो हैं और भी शार्प होने लग जाएंगी। ये देखिए और उनको आपको और भी शार्प करना है इस तरीके से। देन हम इसको इस पॉइंट पे जो है सक्शन क्लिप से हम होल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। देन आप ईज़िली अब इसको बॉबी पिन से आप इसको लॉक कर सकते हो। ये देखिए जस्ट आपको बॉबी पिन से क्रिस क्रॉस करके इसको लॉक करना है। देखिए देन जो आपने होल्डिंग के लिए सेक्शन क्लिप लगाई उसको आप रिमूव कर देंगे। ये देखिए टाइट करके आपको बॉबी पिन से इसको लॉक कर देना है। ये देखिए जस्ट लाइंस को आप पुल करके इसको और भी शार्प आप कर सकते हो। ये देखिए बॉबी पिन आपको टाइट करके लगानी है, बिकॉज ऑफ ये सेक्शन अगर आप क्रिस क्रॉस करके लगाएंगे तो ये खुलेगा नहीं,
ये देखिए इस तरीके से आपको ये लाइंस बनानी है और इस सेक्शंस को आपको इस तरीके से लॉक करना है। स्प्रे करेंगे आप लाइंस को, आपको और शार्प करना है। ये देखिए जहाँ पे आपको फ्रिज लगता है तो आपको फ्रिज को भी कंट्रोल करना है, नीट करना है। लाइंस को आप और शार्प करेंगे विद हेयर स्प्रे के साथ में। ये देखिए अब हमारी लाइंस भी बन चुकी है और हमने इसमें फिनिशिंग भी दे दी है। ये देखिए इस तरीके से आपको ये लाइंस बनानी है। देन हम चलते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट का पार्टीशन आप डिसाइड करोगे, देन साइड कॉर्नर से आपको थोड़ा सा आपको तिरछा सेक्शन लेना है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको साइड से। ये देखिए हम जस्ट इसको फॉलिंग में ले जाएंगे, मैं साइड से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए तिरछा सेक्शन है, डायगोनल सेक्शन बोलते हैं दोस्तों इसको। ये देखिए इस तरीके से आप इसको कॉम करेंगे, देन स्प्रेड करके आपको इस तरीके से स्प्रेड करना है। और देन हम इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे बैक में। फ्रंट का आपको लुक देख लेना है कि कैसा इसका लुक आ रहा है फ्रंट के अकॉर्डिंग। देन हम इसमें लाइंस उठाएंगे पुलिंग टेक्निक से, इस तरीके से आपको ये लाइंस उठानी है। देन आपको स्प्रे करना है स्ट्रॉन्ग वाला, ये देखिए। देन हम इसको पीछे जो है बॉबी पिन से लॉक कर देंगे। देन अगेन सेम टेक्निक, आपको ऊपर से आपको डायगोनल सेक्शन लेना है, थोड़ा तिरछा सेक्शन लेना है। ये देखिए अगेन सेम टेक्निक यूज़ करेंगे आप, तिरछा सेक्शन लिया। देन इसको आपको कॉम करना है, ये देखिए। देन इसको भी आपको स्प्रेड टेक्निक यूज़ करनी है, देखिए स्प्रेडिंग करना है सेक्शन को। देन हल्का सा ट्विस्ट करेंगे बैक साइड से। देन अगेन इसमें लाइंस उठानी है पुलिंग टेक्निक से आपको। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से आपको ये करना है दोस्तों। स्प्रे करेंगे साथ साथ, नीट करना है आपको। देन हमें इसको पीछे जो है बॉबी पिन से लॉक कर देना है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि आप डार्क हेयर पे जो है स्टाइलिंग आप बताया करें और लाइव मॉडल के ऊपर। दोस्तों मेरे पास में मॉडल नहीं है, मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूं। और मेरी प्रेफरेंस रहती है आप लोगों को टेक्निक को अंडरस्टैंड कराना, कि आप लोग टेक्निक को अंडरस्टैंड करें और जस्ट आप सेम टेक्निक को यूज़ करके आप ओरिजिनल हेयर पर भी आप प्ले कर सकते हो। हाँ थोड़ा डिफरेंस होता है, आपका जो ओरिजिनल हेयर होता है थोड़ा सिल्की होता है, कई फाइन है टेक्सचर होते हैं, कई थिक होते हैं, कई कर्ली होते हैं। लेकिन आपको उनको अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग मार्केटिंग में जो जो प्रोडक्ट आते हैं, डस्ट पाउडर है, टेक्सचर स्प्रे है, क्रिम्पिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको आप तैयार कर सकते हो स्टाइलिंग के लिए। देन आप ये इस टेक्निक यूज़ करके आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग आप बना सकते हो। ये देखिए इस तरीके से अगेन आपको सेम टेक्निक यूज़ करके इसको जस्ट पीछे जो है बॉबी पिन से लॉक कर देना है। ये देखिए सेम टेक्निक, आप लास्ट के जो सेक्शन बचा हुआ है इनमें भी हम दो सेक्शन में इसको डिवाइड करेंगे और उसको भी सेम टेक्निक से आपको इसको ओवरलैप करना है। बीच बीच में आप जूड़ा पिन्स लगा सकते हैं कि जो लेयर्स आपने बनाई हैं, जो लाइन्स आपने बनाई हैं वो ख़राब ना हो। ये देखिए इस तरीके से आप जूड़ा पिन इसमें लगा लेंगे। देन इसमें हम दो पार्ट डिवाइड करेंगे इसको दो पार्ट में। जैसे जैसे आप टॉप में आते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है सेक्शन जो है आपका हॉरिजॉन्टली होता चले जाएगा, सॉरी स्ट्रेट होता जाएगा। देन आपको उसी का स्प्रे करना है, इसको कॉम करना है। देन अगेन इसमें भी हम सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, स्प्रेड करना है आपको। ये देखिए जस्ट आपको ऊपर की तरफ पर इसको स्प्रेड करना है। ये देखिए ये मैं साइड कॉर्नर से एक बार ही दिखा देता हूँ। ये जस्ट आपको ऐसे टूथ, बड़े टूथ वाला आप कॉम यूज़ कर सकते हो, स्प्रेड करना है। देन अगेन सेम टेक्निक, पुलिंग टेक्निक से आपको इसमें लाइंस उठानी है। ये पीछे हमने इसको होल्डिंग पे रख दिया अभी जूड़ा पिन से, बाद में हम इसको बॉबी पिन से लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे, स्प्रे करना है आपको। देन इसमें भी हम लाइन्स को जो है क्रिएट करना है हमें, बीच बीच में हमने जूड़ा पिंस लगा देनी है। ये देखिए, ये देखिए लेयर्स उठानी है आपको, लाइंस उठानी है आपको बीच बीच में, स्प्रे करना है साथ साथ। देन ये लास्ट सेक्शन है, इस लास्ट सेक्शन को भी हम कॉम करेंगे, बैक कॉम करना है रूट एरिया पे। हल्का सा हम डस्ट पाउडर डालेंगे इसमें ताकि वॉल्यूम आए थोड़ा सा। बैक कॉम किया, डस्ट पाउडर डाला, देन अगेन सेम कॉम किया इसको और हल्का सा सेम स्प्रेड टेक्निक यूज़ करनी है। आपको फ्रंट लुक भी देखना है और जो लेयर्स आप दे रहे हो, जो सेक्शन आपने स्प्रेड किया है
वो आपके और सेक्शन के साथ में बिल्कुल इक्वालिटी में जाना चाहिए। देन आपको कॉम करना है इसको, टेल कॉम के टेल से जो छोटे फ्रिजी हेयर फ्लाई हेयर्स आते हैं उनको आपको बिठाना है। अगेन आप इसमें लेयर्स बनाएंगे, बीच बीच में आप जूड़ा पिन से आप इसको स्टे कर देंगे ताकि जो लेयर्स आप बना रहे हो साथ साथ आप जूड़ा पिन से उसमें होल्डिंग के लिए लगा लो तो वो ख़राब नहीं होंगे, एज इट इज़ रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको ये लेयर्स बनानी है। स्प्रे करेंगे हम, ये देखिए बिल्कुल लाइट हैंड से आपको वर्क करना है, फिंगर की टिप से आपको ये लाइंस उठानी है। देन हम इसको थोड़ा और फॉलिंग में देंगे बिकॉज ऑफ ये थोड़ा सा डिसकनेक्ट जा रहा है और लेयर से, इसको जस्ट आपको लेयर्स को और भी स्प्रेड करना है डाउनवर्ड्स की तरफ, बिल्कुल मर्जिंग पॉइंट पे ले जाना है इसको। ये देखिए अभी ये थोड़ा ठीक लग रहा है, बिल्कुल आपको लेयर्स से मर्ज कर देना है, ये देखिए इस तरीके से। देन पीछे हम इसको बॉबी पिन से लॉक कर देंगे। ये देखिए स्प्रे करना है आपको और इन लेयर्स को भी आपको शार्प करना है। देन हम चलते हैं अदर साइड पे, इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। डायगोनल सेक्शन लेके बैक कॉम करना है, स्प्रे करना है। ये देखिए फ्रंट सेक्शन पे भी आप बैक कॉम करोगे देन स्प्रे, इसको अच्छे से कॉम कर लेंगे हम। देन उसे इसका स्प्रे करना है, इसमें अगेन कॉम करना है, इसको भी हम स्प्रेड टेक्निक यूज़ करके आपको इसको जस्ट पीछे ले जाना है। ये देखिए हम एक बार फ्रंट से देख लेते हैं, इस तरीके से आपको इसको पीछे ले जाना है। फ्रंट लुक आपको देखना है कि कैसे उसकी लुक आनी, देन हम स्प्रेड करेंगे इसको और जस्ट पीछे ले जाएंगे। पीछे हमने इसको सेक्शन क्लिप से होल्ड कर दिया है। देन साइड कॉर्नर से इसमें भी हमें लेयर्स बनानी है। ये देखिए हल्की फिंगर की टिप से आपको उठाना है इसको और आपको ये लेयर्स उठानी है। ये देखिए फिंगर की टिप से जस्ट, तो इस तरीके से आप इसकी लेयर्स उठाएंगे और आपको जस्ट पीछे इसको लॉक कर देना है, सेक्शंस को स्प्रे करना है आपको, नीट करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको ये लेयर्स बनानी है, बड़ी सॉफ्ट लेयर्स बनेंगी आपकी। ये देखिए इस तरीके से, ये बीच बीच में आप जूड़ा पिंस लगा सकते हो। पीछे हम जो रेस्ट ऑफ सेक्शन है उसको भी आपको जूड़ा पिन से लॉक कर देना है। देन पीछे की तरफ जो भी सेक्शन हम ले गए हैं हमें उन सारे सेक्शंस को जो है बॉबी पिन से टाइट करके लॉक कर देना है, ये देखिए इस तरीके से। देन आपको जो है सेक्शन में इसको डिवाइड करना है इस तरीके से, इसको हम बैक कॉम करेंगे जस्ट फॉर द बेस के लिए। अगर आपको बैक कॉम नहीं करना दोस्तों तो आप इसमें स्टफिंग लगा सकते हो, बनाना स्टफिंग आप लगा सकते हो, या डोनट को ओपन करके भी आप नेट यूज़ कर सकते हो, फेक ईयर आप यूज़ कर सकते हो, आपके पास में ऑप्शन है अगर आप बैक कॉम नहीं करना चाहते हो। लेकिन आप बैक कॉम करके भी बेस आप बना सकते हो, जस्ट आपको बैक कॉम करनी है इस तरीके से। ये देखिए इसमें भी हम बैक कॉम करेंगे जस्ट, ये देखिए छोटा छोटा बैक कॉम करेंगे हम। देन हम इन तीनों सेक्शन को एक साथ जो है आपको ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करना है। ये देखिए जस्ट फिंगर से इसको घुमाया, ये देखिए जस्ट आपको फिंगर से इसको राउंड करना है और जस्ट डाउनवर्ड से आपका ये जस्ट लो पॉइंट पे आना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको स्टे कराना है। देन हम इसको अंदर की तरफ इसको बॉबी पिन से लॉक करेंगे टॉप एरिया पे, पहले सबसे पहले आपको टॉप एरिया पे करना है। ये देखिए देन ये होल्ड हो जाएगा। देन आपको साइड कॉर्नर्स पे भी लगाना है। देन हम इसको स्प्रेड करेंगे और इसको पहले हम टाइट साइड कॉर्नर से इसको टाइट कर लेते हैं। देन आपको स्प्रेड करना है, ये आपको उसको जस्ट इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसको फुली इसको कवर करना है। ये देखिए मैं आपको जस्ट पीछे से दिखा देता हूँ, ये साइड कॉर्नर से आपको दबाना है हल्का सा, जूड़ा पिन से आप इसको लॉक कर देंगे, अदर साइड से भी सेम आपको इसको जस्ट कवर कर देना है। ये बीच में से आपका दिखना नहीं चाहिए, मीन साइड कॉर्नर से आपका दिखना नहीं चाहिए, इसको जस्ट जूड़ा पिन से आपको इसको फुली कवर कर देना है, आपको ये बेस की तरह लगना चाहिए। तो इस तरीके से आपको स्प्रे करना है, नीट करना है इसको, जो फ्लाई हेयर्स आते हैं नीट करके इसको आपको बनाना है। ये देखिए देन जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी हम जस्ट जो है इसको फुली कवर करेंगे बिकॉज इसमें अभी फिनिशिंग नहीं है, तो आपको इसको और भी फिनिशिंग देनी है। नीचे वाले सेक्शन पे आप हल्का हल्का बैक कॉम करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये आपको अंदर अंदर बैक कॉम करना है, ये बाहर की तरफ बैक कॉम नहीं जाना चाहिए आपका। देन हम इसको जस्ट अपवर्ड्स की तरफ ऊपर की तरफ ले जाएंगे, स्प्रे करना है आपको। जो छोटे छोटे फ्रिजी हेयर आते हैं या फ्लाई हेयर्स आते हैं उनको भी आपको स्प्रे करके नीट करके पूरे सेक्शन को आपको मर्ज कर देना है इस तरीके से।
जस्ट ऊपर आपको इसको सेक्शन क्लिप से होल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको होल्ड करेंगे, देन इसको आपको स्प्रेड करना है इस तरीके से, आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपको इसको स्प्रेड करना है। ये दूसरी सेक्शन क्लिप, एक और सेक्शन क्लिप लगा लेते हैं हम, ये देखिए, देन आपको ये अदर्स कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपको इस तरीके से सेक्शन क्लिप से होल्ड करना है इसको, देन आपको कॉर्नर टू कॉर्नर इसको लॉक करना है। जो अंदर का हमने बेस बनाया है फुली बेस को आपको इसको कवर करना है विथ नीटनेस के साथ में। ये देखिए जैसे हमने ऊपर जो सेक्शन क्लिप लगाई हुई है उनके जगह पे आप जो है बॉबी पिन लगाएंगे, और देन हमको सेक्शन क्लिप को जो है रिमूव कर देना है। ये देखिए आपको टाइट करके जो है बॉबी पिन से इसको लॉक कर देंगे हम, सेक्शन क्लिप को आपको रिमूव कर देना है, देन इसको हम स्प्रेड करके जो है सेक्शन को साइड कॉर्नर्स को भी हम इसमें कवर कर लेंगे ये जूड़ा पिंस की मदद से। जूड़ा पिंस लगानी है आपको साइड कॉर्नर्स पे, ये देखिए अदर साइड से भी आप जूड़ा पिंस की मदद से इसको फुली कवर्ड हम कर देंगे, ये देखिए। देन चलते हैं हम टॉप की तरफ, इसको पहले हम अच्छे से जो है को उसको कवर कर देना है, देन जो टॉप एरिया पे सेक्शन है उसको हम बॉबी पिन से पहले सेपरेट कर लेते हैं टाइट करके, ताकि वो खुले ना, बिकॉज नीचे का बेस भी जो है हमें इसी सेक्शन से हाइड किया हुआ है, ये देखिए। देन जो ऊपर का रेस्ट ऑफ पार्ट बचता है दोस्तों, इसको आपको जो है पहले ओसिस का स्प्रे करना है, या आपको स्प्रे करना है कोई सा भी जो आप यूज़ कर रहे हो, देन हमें इसको जो है रूट एरिया पे बैक कॉम करना है इस तरीके से। ये देखिए पहले हम इसको बैक कॉम करेंगे ताकि ये थोड़ा वॉल्यूम होके आए, ये देखिए इसको कॉम करना है, देन हम इस पर रबर बैंड लगाएंगे दोस्तों। इसको हम एक पोनी जैसे हम बांधते हैं वैसे इसको एक छोटे एक रबर बैंड से आपको इसको ग्रिप कर लेना है, बांध देना है रूट एरिया पे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बांध लेंगे, जैसे आपको इसको डाउनवर्ड्स की तरफ बिल्कुल रूट एरिया पे आपको जो है रबर बैंड को ले जाना है। देन अगेन हम इसमें स्प्रे करेंगे, और अब हमें इस सेक्शंस को जो है फैला देना है चारों तरफ एक फ्लावर की तरह, ये देखिए इस तरीके से। इसको आपको छोटे छोटे सेक्शंस हैं इसमें, तो आपको इसको चारों तरफ कॉम करके इसको चारों तरफ फैला देना है पहले। ये रबर बैंड हमने इसलिए ही बांधा है ताकि ये इक्वल चारों तरफ से फैल जाए जहां आपको उसको फैलाना हो, ये देखिए इस तरीके से। इस तरह का कोई फूल भी होता है तो आप अगर चाहे तो आप इसको ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन अब हमें जो है इसमें पेटल्स बनानी है फ्लावर की तरह। ये देखिए जैसे हमने एक पेटल्स बनाई इसमें, इसको जस्ट आपको स्प्रेड टेक्निक यूज़ करनी है, आपको एंड्स पकड़ना है, और एंड्स पकड़ते सारी आपको इसको दोनों साइड कॉर्नर से आपको इसको स्प्रेड करना है। और एक जैसे पेटल जाती है, जैसे किसी भी फ्लावर की जो पत्ती होती है पेटल होती है, तो उस तरीके से आपको इसको बनाना है, शेप देना है, स्प्रे करना है। इस स्टाइलिंग में दोस्तों इस पेटल्स के लिए अगर आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ वो लास्ट ज़्यादा करेगा और आपकी जो भी पेटल्स की शेप है वो लॉन्ग लास्ट रहेगी। ये देखिए इस तरीके से आपको पेटल्स बना के उसको एक कॉर्नर्स पे आपको सेट कर देना है, जहाँ पे भी उसको प्लेसमेंट आपको करना है। ये देखिए जस्ट स्प्रेड करना है, आपको एंड्स पकड़ना है और जस्ट दोनों कॉर्नर से आपको इसको स्प्रेड करना है। बहुत इजी है दोस्तों, आप एक बार ट्राई करना, आपसे भी बन जाएंगी। और एंड्स जो है आपको हल्का सा टर्न करना है फिंगर से ही, जैसे हम एंड्स को बिल्कुल आपको टर्न कर देना है, मोड़ देना है, जिससे वो पॉइंटेड बने। आपके पेटल्स ऊपर से थोड़ी ब्रॉडर होनी चाहिए और एंड्स में आपको उसको टर्न कर देना है, फिंगर्स की टिप से आपको उसको टर्न करना है, और स्प्रे करके आपको उसको बिल्कुल बहुत शार्प पॉइंटेड कर देना है आपको उसको, ये देखिए। और जहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट इसका देना है पेटल्स के हिसाब से या लुक के हिसाब से, वहाँ पे आप इसको जूड़ा पिन से होल्ड कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, और स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे आप यूज़ कर लीजिए, तो वहीं पर वो फिक्स हो जाएगी। ये देखिए फॉलिंग के अकॉर्डिंग अब जहाँ पर भी आपको नीड हो, पहले हमने सेंटर पॉइंट के लिए भी आपको सेक्शन छोड़ना है, बिकॉज अब हमें इसमें बीच में भी कुछ सेक्शंस हमें निकालने हैं। इस फ्लावर के बीच में छोटी छोटी स्ट्रीक्स निकलती हैं, वो भी हमें निकालनी है। जस्ट रूट एरिया पे हल्का सा बैक कॉम किया, ये देखिए इसको स्प्रे किया, कॉम किया,
और जस्ट स्प्रेड करना है, दोनों साइड से आपको स्प्रेड करना है, आपको एंड्स पकड़ना है, देन एंड में आपको स्प्रे करना है, एंड्स को आपको टर्न कर देना है, ये देखिए, देन इसको टर्न कर, एंड्स को हम टर्न करेंगे, और अगर ज़्यादा लंबा जाता है, ज़्यादा पॉइंटेड लगता है आपको एंड्स, तो आप इसको कट भी कर सकते हो, बिकॉज आपको नीड पड़ सकती है इसके पॉइंट को कट करने की, नहीं तो अगर ज़्यादा पॉइंटेड लगता है तो अच्छा नहीं लगता, तो आप इसके पॉइंटेड को आप कट कर सकते हो, क्लाइंट से पूछ के अगर नहीं कट करवाते तो आपको उतना ही ये सेक्शन छोड़ने हैं एंड्स में कि आपका पॉइंटेड जो है ज़्यादा ना बने, फिर आपको जो है इसको पॉइंट बहुत माइनर सा रखना है, आपको स्प्रेड टेक्निक ज़्यादा यूज़ करनी है, इसका पॉइंट जो है माइनर सा ही छोड़ना है, ये देखिए पेटल्स फिर आपके ज़्यादा ब्रॉड बनेंगे और ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, तो इस तरीके से आपको ये पेटल्स की शेप आपको क्रिएट करनी है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको ये पेटल्स बनानी है, ये देखिए इस तरीके से आप इसको जूड़ा पिन से जहाँ भी आपको इसको प्लेस करना है, जिस पॉइंट पे भी आपको पेटल्स चाहिए तो उस पॉइंट पे आप इसको जूड़ा पिन से होल्ड कर देंगे, स्प्रे कर देंगे, और आपको जो है इसको एंड्स को बिल्कुल टर्न कर देना है, देखिए जैसे मैं अभी टर्न कर रहा था ऐसे आपको टर्न करना है ताकि ये स्प्रे से बिल्कुल टर्न जो है आपका लॉक हो जाएगा और खुलेगा भी नहीं, ये देखिए। देन हमें चलते हैं मिड पॉइंट पे, इस मिड पॉइंट पे आपको जो है कॉम करना है पहले, ये देखिए इस तरीके से इसकी शेप आएगी, देन हम इसको जो है तीन पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, आपको पहले इसको हल्का सा रूट पे बैक कॉम करना है ताकि ये स्टैंड रहे, ये देखिए, देन आपको इसमें अलग अलग लाइंस आपको निकाल लेनी है, स्ट्रिंग्स बोल सकते हैं, स्ट्रीक्स बोल सकते हैं आप, पतली पतली आपको स्ट्रीक्स निकाल देनी है इसमें, देन आपको स्प्रे करना है इसको, और इसको स्प्रे को पूरे पे इस पर लगा देना है, या आप इसको पूरे पे जो एंड्स हैं बिल्कुल आपको एंड्स में इस पर स्प्रे करना है, और जस्ट आपको वर्टिकली इसको प्रेस करना है, ये देखिए, ये देखिए जैसे आप स्प्रे लगाएंगे तो स्टिक हो जाएगा ये और बिल्कुल स्टैंड हो जाएगा, देन आप जो है स्प्रे करेंगे साथ साथ, पेटल्स के शेप पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इवन नहीं लगती है तो आप जस्ट उसको स्प्रेड करके आप उसको शेप कर सकते हैं, रिशेप कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, थोड़ा स्प्रे आपको स्ट्रॉन्ग वाला यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों इसमें, देन जो बीच की हमने स्ट्रीक्स निकाली हुई हैं उन पे भी आपको स्प्रे करना है, ये देखिए इस तरीके से, बीच बीच में आप जूड़ा पिंस लगा सकते हैं जो स्ट्रीक्स आपने निकाली हैं उनकी होल्डिंग के लिए ताकि वो स्टैंड रहे, ये देखिए इस तरीके से आपकी ये स्ट्रीक्स निकलेंगी, देन इसके एंड पे जो स्ट्रीक हमने निकाली है इसके एजेस पे, इसके एंड पॉइंट पे हम लगाएंगे डार्क शेड, डार्क शेड आप मस्कारा यूज़ कर सकते हो, काजल आप यूज़ कर सकते हो, मैं पास से दिखा देता हूँ, मैं काजल लगा रहा हूँ, ये देखिए जस्ट आपको एंड्स पॉइंट पे इसके जो है ये डार्क शेड लगा देना है, ये देखिए इस तरीके से ये डार्क शेड लगा के हम जस्ट इसको डार्क कर देंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे, तो इस तरीके से आपको ये डार्क शेड लगाना है, ये देखिए आपके पास में लिक्विड कलर भी हो कोई डार्क कलर तो आप वो भी लगा सकते हो, नहीं तो ये टेम्पररी के लिए आप ये काजल भी आप लगा सकते हो, तो देन आपको इन स्ट्रीक्स को भी फॉल के अकॉर्डिंग जहाँ इनका फॉल अच्छा लगता है, फ्लावर की शेप अच्छी आती है, वहाँ पे आपको अपने हिसाब से आप जो है इसके मिड पॉइंट पे आप फाइन पिंस लगा के उनको एज इट इज़ आप सेट कर सकते हो अपने प्लेसमेंट के हिसाब से। पेटल्स हैं, पेटल्स के जो हम जहाँ से पेटल्स का स्टार्टअप हो रहा है मिड पॉइंट, वहाँ पे भी आप फाइन पिंस को लगा के जो है इनकी शेप को, इनके प्लेसमेंट को आप फिक्स कर सकते हो, क्योंकि फाइन इनविजिबल पिंस दिखती नहीं है तो आप उसको स्टे कर सकते हो, वैसे तो स्टे रहेंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्पेस पे भी, बट आपकी डबल सिक्योरिटी के लिए आप जो है फाइन पिंस आप यूज़ कर सकते हो, ये देखिए इस तरीके से हमने इसका प्लेसमेंट हमने डिसाइड कर लिया है, इस तरीके से आपको इसको सेट करना है, ये देखिए। देन दोस्तों हम देंगे इसमें फिनिशिंग, स्प्रे करना है आपको, ये ओसिस का है स्प्रे, आपको एंड में स्टाइलिंग के एंड में यूज़ करना होता है फॉर शाइनिंग के लिए और फ्रेश लुक के लिए, ये देखिए। देन आपने जो जूड़ा पिन्स आपने लगाई हुई है तो उनको आपको जो एक्स्ट्रा जूड़ा पिन है उनको आपको रिमूव करना है
और जहाँ पे आपको लगता है जूड़ा पिन इंसर्ट करनी, तो आप वहाँ पे जूड़ा पिन आपको इंसर्ट कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको वर्टिकली लगाने हैं ताकि ये सेक्शंस आपके लॉक भी हो जाए और आपके जूड़ा पिन भी ना दिखे। तो इस तरीके से आपको ये लगानी है। जूड़ा पिन की जगह पर आप फाइन पिन भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है दोस्तों। इस तरीके से इसकी लुक आनी है। एंड में आपको जूड़ा पिन को हटा देना है। जब आपकी हेयर स्टाइलिंग फिक्स हो जाएगी तो आपको जूड़ा पिन को रिमूव कर देना है। ये इसके सेंटर पॉइंट पे एक छोटा सा आप ऐसे बीट्स लगा सकते हो। बहुत ही प्रिटी इसकी लुक आएगी और आपकी फ्लावर की जो शेप है वो और भी अच्छे से दिखेगी। एक्सेसराइज हो जाएगा, मेन सेंटर पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो आप इसकी फ्लावर की शेप भी दिखेगी और बहुत इसका अच्छा लुक भी आएगा। ये देखिए इस तरीके से आप बीच में ये बीट्स लगा सकते हो। बस केवल आपको मिड पॉइंट पे ही लगाना है। इन केस अगर आपको साइड पे लगता है तो आप साइड कॉर्नर्स पे भी एक बैंड आप लगा सकते हो। ये मैं अभी आपको लगा के दिखाऊँगा किस तरीके से आपको लगाना है। अगर नीट लगती है आपको तो ये ऑप्शनल है, अदरवाइज़ आपको नहीं लगाना है। या फ्रेश फ्लावर भी, अगर आप छोटे छोटे वाइट कलर के फ्रेश फ्लावर आते तो वो भी आप लगा सकते हो। ये देखिए मैं हल्का सा ये बैंड लगा रहा हूँ साइड कॉर्नर्स पे। ये देखिए इस तरीके से आप ये लगा सकते हो। कलर आपको सेम ही रखना है। जैसे मैंने सिल्वर लगाया तो आपको इधर साइड पे भी आपको सिल्वर ही लगाना है। ये मैंने गोल्डन लगा दिया बिकॉज मेरे पास में था नहीं सिल्वर एसेसरीज़, तो मैंने सोचा मैं यही लगा दूँ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से आपको इसको एसेसराइज आप कर सकते हो। बट ये भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए इस तरीके से आप इसको एक्सेसराइज करोगे, साइड कॉर्नर से भी इसकी लुक आएगी तो अच्छा लगेगा। ये देखिए यह है दोस्तों कंप्लीट लुक इसकी। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। ये देखिए काफ़ी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट थी प्लीज़ सर इसकी इस हेयर स्टाइल की वीडियोस की आप दोबारा से बनाइए। मैंने पहले भी बनाया हुआ था लेकिन वो उसमें बहुत फास्ट प्रोसेस है, तो मैंने आप लोगों के लिए नया बनाया डिटेलिंग के साथ में। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेंशन जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों आप लोगों के लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों के कमेंट, जो भी आप लोगों का रिएक्शन होता है उन वीडियो के ऊपर, तो प्लीज़ मेंशन जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। यह मैंने एक छोटी सी क्लिप भी बनाई थी तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। या मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक डिसलाइक जरूर किया करें, इससे हमें पता चलता है हमारी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है, सो प्लीज़ इसमें रिएक्ट जरूर करें, रिएक्शन जरूर दें। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ मेंशन जरूर करें कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रही, ताकि हम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें। सो दोस्तों तब तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।